नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आज का राशिफल। आज हम बात करेंगे 24 सितंबर 2024 मंगलवार के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम विशेष रूप से उन सवालों का जवाब देंगे जो अक्सर आप हमें भेजते हैं। आज हम जानेंगे प्रेम जीवन के बारे में कि क्या आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक रहेगा या कोई नया प्यार आपकी राह देख रहा है। करियर और नौकरी के लिहाज से क्या आपको किसी प्रमोशन या नौकरी में बदलाव की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आप अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल करेंगे और कौन से विषय पर ध्यान देना चाहेंगे। धन और निवेश के मामले में क्या आपको अपने पैसे के मामलों में सतर्क रहना चाहिए और कौन से निवेश फायदे का सौदा हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना चाहिए और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के राशिफल के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आज क्या कहते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास अश्विन है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु शरद ऋतु है। आज सप्तमी तिथि दोपहर 12:38 तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज मृगशिरा नक्षत्र रात 9:54 तक रहेगा, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग व्यतिपात योग दोपहर 1:27 तक रहेगा, इसके बाद वरियान योग लग जाएगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में सुबह 9:55 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा, आज चंद्रोदय 11:02 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से शुरू होकर 12:36 तक रहेगा। आज राहु काल शाम 13:14 से शुरू होकर शाम 4:44 तक रहेगा। आज अष्टमी श्राद्ध है। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानते हैं 24 सितंबर 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातक, चंद्रमा आज मिथुन में है। आप आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके करियर और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस लिंक को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए काम करना सुनिश्चित करें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार लोगों से बातचीत में आज आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने विवाहित जीवन के संदर्भ में यदि आप कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद पर अत्यधिक दबाव डालते हैं तो आप कुछ चिंता का अनुभव कर सकते हैं। आज के दिन चिंताओं को दूर रखने की कोशिश करें। अगर आप किसी विवाहित व्यक्ति के साथ दुविधापूर्ण स्थिति में हैं या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं तो आज सावधान रहने की जरूरत है। अपने कदमों को संभाल कर आगे बढ़ाएं। करियर के मामले में आज आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आज आपकी उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपकी ये सारी सकारात्मक विशेषताएं अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेंगी। अगर आप पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में हैं तो आज बहुत व्यस्त रहेंगे। आप पाएंगे कि आपके ओवरटाइम काम करने और दूसरों के कारण आज आप खूब पैसा कमा रहे हैं। इन पैसों का सही यूज़ करें, सही निवेश करें। कहीं यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो आप यात्रा को स्थगित करें। आज यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपके लिए आज ये अच्छा होगा कि आप सावधानी बरतें। धन्यवाद। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप टेंशन फ्री रहेंगे। आज खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहेंगे। आपको अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस होगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहेंगे। आज के दिन का अधिकतम लाभ उठाएं। लव लाइफ में अपने पार्टनर से दूर ले जाने वाले रास्तों से आज दूर रहें। तत्कालिक आकर्षण से बचें। भले ही इस आकर्षण के आगे आपका रूटीन पार्टनर फीका लगे, लेकिन वो रिश्ता मजबूत है और आपके लिए उसे और मजबूती देने की ज़रूरत है। जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते वो अब आपकी आंखों में कांटों की तरह चुभेगा। ध्यान रहे कि उसके गलत व्यवहार का आप पर कोई असर ना पड़े। आप बस अपने काम पर ध्यान दें।
पैसे की सही योजना बनाने का अच्छा नतीजा मिलने वाला है। कहीं से आश्चर्यजनक रूप से पैसा आएगा जिससे कि आप कोई बड़ा उधार चुका सकेंगे। इससे बहुत बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। आप आर्थिक मामलों में सोच समझकर चलने वालों में से एक हैं। आपको पता है कि पैसे को सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आज आप पानी के आसपास या पानी के अंदर ना जाएं। आज पानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। भूरा रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। शाम 5 से 7 का समय आपका लकी समय रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, चंद्रमा के मिथुन राशि में पारगमन होने के कारण आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज आपका दिन कामयाबी और वैभव से भरा हुआ रहेगा। ये पारगमन रोमांस और संबंधों के लिए पूर्ति का समय साबित हो सकता है। अगर आप कार्य करते हैं तो हो सकता है आज आपको सराहना और मान्यता मिले। ये देखकर हैरान ना हो, क्योंकि लोगों के द्वारा ये सराहना आपके लिए और आपके उन कार्यों के लिए है जो आपने ईमानदारी से वाहवाही पाने के लिए किए हैं। आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग उत्तेजना को पाना चाहते हैं। शायद अभी के रिश्ते से हटकर चाहे आप कुछ भी करें, पर अपने पार्टनर को दुखी ना करें, क्योंकि आपको इससे पछताना पड़ सकता है। आपके लिए करियर के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको आज साझेदारी सोच समझकर करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आपके संपर्क मजबूत होने की संभावना है। विदेशी निवेश से आज आर्थिक लाभ के संकेत हैं। यदि आप अपना व्यापार विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। संपत्ति खरीदने के भी संकेत हैं और यदि सोच समझकर निवेश किया गया तो भविष्य में उसके अच्छे फल मिलेंगे। सेहत के मामले में आज सेहत के अनुसार काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। आज आप सभी कार्य अच्छे से कर पाएंगे। शारीरिक श्रम से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज खाना बनाते समय थोड़ी सी चोट आ सकती है, इसलिए आज बेहद सावधानी बरतें जब आप किचन में काम कर रहे हों। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अनुसार आज के लिए आपका शुभ रंग नीला रहेगा। शाम 4 से 6 का समय लकी रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के पारगमन के कारण आज आपकी मनोदशा खराब हो सकती है। सकारात्मक रहिए और नकारात्मक चीजों से बचें। थोड़ा सा विराम लें और देखिए कि आपकी जिंदगी में और आपके आसपास क्या चल रहा है। अपने साथ वक्त बिताने से और उन चीजों पर चिंतन करने से कुछ चीजों का नजरिया बदलेगा। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपके लिए अनुमान लगाकर ये कह रहे हैं कि ये आपके उद्देश्यों में नवीनीकरण लाएगा और इसके कारण आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा। आखिरकार आप बिना किसी प्रभाव के चलते नहीं रह सकते, यही जीवन है। आज आप याद रखें कि हमेशा दूसरी तरफ हरियाली ज्यादा नजर आती है। अवैध रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़ें, प्रलोभित ना हो, बैठकर ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोचें। बात करते हैं आपके करियर की। आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जिन्हें विदेश में व्यापार करने का अवसर मिला है। दूर बैठे साझेदारों से संबंधित व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने संपर्क मधुर बनाने की कोशिश करें। यदि आप आयात निर्यात के बिजनेस में हैं तो आज आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। किसी विदेश से साझेदारी हो सकती है और आपके लिए ये बहुत बढ़िया परिणाम देगा। हेल्थ के मामले में आज छोटी मोटी चोटों से सावधान रहना चाहिए। आरामदायक जूते पहने, इस बात का ध्यान रखें। सीढ़ियों पर चलते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए आज के दिन का सबसे अनुकूल समय दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक का रहेगा। ये वो समय है जब आपको उच्चतम परिणाम मिलेंगे। आपके लिए आज लकी कलर जो रहेगा वो रहेगा पीला। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अनुसार आपको कुछ नकारात्मक व्यवहारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के दिन और जो आज आपके परिवार या सामाजिक अस्तित्व में होने की संभावना को व्यक्त कर सकता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के होने से ये आपको कुछ अजीब स्थिति में डाल सकता है और आज आपके लिए उनके साथ एक बहुत ही खराब टकराव की संभावना हो सकती है। आज के दिन आपको सक्रिय रहने की आवश्यकता है और मित्रों और परिवार के साथ इस बारे में बात करने की जरूरत है कि वे आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप किसी भी ऐसी परेशानी को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने परिवार में ये महसूस करेंगे कि लोग एक दूसरे के मामले में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं।
जितना हो सके बहस से बचने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश के बावजूद बहस में खिंचे जा रहे हैं तो कूटनीतिक रास्ता अपनाएं और संवेदनशील बने रहें। करियर के मामले में आज आपको कुछ चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि आपको गुस्सा नहीं करना है। कहीं पर भी आपको गुस्सा आए तो उस स्थिति को आप टाल दें। आज के दिन यदि पैसा निवेश करना चाहते हैं तो वहां कीजिए जहां लंबे समय तक लाभ की गुंजाइश है। शेयर बाजार और संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। आप जिस नए क्षेत्र में भी निवेश की सोच रहे हैं, सोच समझ कर करें। जो भी हो, भविष्य में आपके निवेश का अच्छा फल मिलेगा। आज आपको अपनी मांसपेशियों और कमर के दर्द का ध्यान रखना होगा। आज अगर हो सके तो आप अपनी मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव ना डालें। आज के दिन आपको जो लकी समय आपका रहेगा वो 2 से 3 का रहेगा। इस समय पर आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को शेड्यूल करें। आपके लिए लकी रंग जो रहेगा वो भूरा रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की, तो प्रिय कन्या राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ लोगों को जीवन में कठिन मुद्दों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प का अनुभव करना पड़ सकता है। आज अपने जीवन को बदल सकते हैं आप। समस्याओं को नजरअंदाज करने से वे गायब नहीं हो सकती, इससे आपको शांति का अनुभव होगा। गहरा नीला रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। दोपहर 3 से शाम 5 का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले दिनों से जिन सामाजिक या पारिवारिक समस्याओं से आप परेशान रहे हैं वे आज दूर हो जाएंगी। इस मौके का फायदा उठाएं और अपने परिवार को ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। जिस व्यक्ति से आपकी नहीं बनती है कार्य क्षेत्र में, आज वो आपका जीना हराम कर सकता है। वो शायद आपके उच्च अधिकारियों की नज़र में आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करे, इसलिए सावधान रहें। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। अंततः आज आप खुद कुछ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। आप मेहनत तो काफ़ी समय से कर रहे थे पर पैसा नहीं जुट पा रहा था। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो रहे थे। अब आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। अपनी आय का ठीक से लेखा जोखा कर लें। हेल्थ के मामले में आज आप महसूस करेंगे कि आपकी दर्द जैसी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका खुद का मन व्यायाम करने के लिए करेगा। हो सकता है आप फिर से योग करें। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, चंद्रमा के मिथुन राशि में आने से आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी भावनाएं और जरूरतें अब बहुत अधिक स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये आपके लिए अपनी कुछ अनोखी इच्छाओं को पूरा करने का शानदार समय है, जिससे आपको अपने सपनों पर अधिक विश्वास करने में मदद मिलेगी। तुला राशि, आप अज्ञात रास्ते को तलाशने की इच्छुक और चंचल मूड में रहेंगे। आगे बढ़ें क्योंकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखने के और समझने के लिए सक्षम हैं। अभी के रिश्ते से दूर हटकर रिश्ता बनाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के मामले में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। करियर के मामले में आज आपको कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके आसपास कुछ नकारात्मक लोग हैं जो आपके बारे में नहीं सोचते। वो शायद आपको आपके उच्च अधिकारियों की नज़रों में गिरा सकते हैं, इसलिए आपको आज सावधानी बरतनी होगी। अगर आपका व्यवसाय है खुद का, तो आपका व्यवसाय आज तरक्की कर रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आप अपने लक्ष्यों से भटकिए नहीं। आप तो अपने काम के प्रति ईमानदार और मेहनती हैं। ये तो सामने वाले को समझने की ज़रूरत है और समझ भी जाएगा जो भी पर्सन सामने हैं कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। जोखिम उठाकर आप अपने घर से ज़्यादा दूर ना निकलें। आज के दिन आपको अपने घर के आसपास ही रहना चाहिए। जितना हो सके आप अपने घर पर रहने की कोशिश आज करें। सुबह 10 से 11:30 का समय लकी रहेगा। आज के लिए लैवेंडर कलर आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको एनर्जेटिक बनाएगा। आप आज सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दूसरों के लिए इमोशनल हो सकते हैं। आज अपनों के साथ अपने बंधन को और मजबूत कर सकते हैं। आपका उदार स्वभाव दूसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। आज आपको अपने प्रेम जीवन में अविश्वास के लक्षण दिखेंगे। आप अवैध रिश्तों की ओर आकर्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन बचकर रहें और अपने रिलेशनशिप में किसी भी लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें।
करियर के मामले में आज दिन अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी आपने इंटरव्यू दिया था और आप वेट कर रहे थे आंसर का, आज आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। आर्थिक स्थिति के मामले में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप शेयर बाजार में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं किसी की अच्छी सलाह लेकर, आपको काफ़ी फायदा होगा। हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए तो आज आपको पेट से संबंधित ध्यान रखना चाहिए, घर का बना भोजन ही खाएं। आपके लिए लकी कलर बैंगनी रहेगा, लकी समय शाम 5 से 8 का रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो प्रिय धनु राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज मानसिक तनाव हो सकता है। जीवन में निर्णय लेने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना कर पाएंगे। आज लव लाइफ में आज आपका मन बहुत उत्साहित है। आपका दिमाग आज अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है। अपने साथी का साथ प्राप्त करने के लिए आप बेताब हैं, तो आज कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। करियर के मामले में आज के दिन आपको अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। आप अपना कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ें, उच्च अधिकारियों की नज़र आपके ऊपर है। आज अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर प्रयत्न करते रहें। अब अपनी आय का ठीक से प्रबंधन करें। आपने यदि अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया है तो समझिए आज यही आपका सबसे बड़ा हितैषी है। इस तरह हो सकता है आपको अपनी आय बढ़ाने का एक बढ़िया रास्ता भी सूझ जाए। आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। संभावना है कि किसी दर्द को लेकर आप आज परेशान रह सकते हैं। घबराएं नहीं, इस समय आप गहरी परेशानियों से दूर हैं। हर परिस्थिति में शांत रहें। दोपहर 3 से शाम 4 का समय लकी रहेगा, ग्रे रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति करा सकती है। अपनों से कोई अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। आपके पास निश्चित रूप से कुछ पल होंगे जब आप समाचार के कारण उपलब्धि और आनंद की भावना का आनंद ले सकते हैं। कई बार आपकी ओर से शुभ समाचार भी मिलते हैं, लेकिन आज आपको अपने करीबी लोगों के लिए खुश होने का मौका मिलेगा। आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपसे छिप छिप कर प्यार करता है। आज सुबह सुबह आप उसके लिए तैयार रहें। वो व्यक्ति भले ही आपके सपने का प्यार ना हो, पर वो आपका दिन खुशनुमा बनाएगा। आप भी आज अपने आप को आकर्षित पाएंगे। आपके हाथ से बाहर होती परिस्थितियां शायद आपको बहस करने पर मजबूर कर दें आपके कार्य क्षेत्र में, इसलिए आज किसी भी बहस से बचने की कोशिश करें। आज के दिन आर्थिक मामले में अपने बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी और आपसे जुड़ी दूसरी विभिन्न संस्थाओं से लेन देन करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ा फुर्सत से बैठिए और ठीक से विचार कीजिए, फिर ये अनुमान लगाइए कि आप पैसे रुपए का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए कौन सी वित्तीय कंपनी के साथ लेन देन करना बेहतर मानते हैं। आज आप एलर्जी से परेशान हो सकते हैं। नाक बहना, आंखों से पानी आना, ये चीज़ें आपको आज परेशान कर सकती हैं। जल्द इलाज कराएं, बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। दोपहर 2:15 से 3:45 तक का समय लकी रहेगा। इस दिन आपका शुभ रंग ब्राउन रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको काम करना होगा। आज चीजें अभी भी आपके कंट्रोल में रहेंगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, दृढ़ विश्वास के साथ काम कर लेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं और विचारों को किसी ऐसे व्यक्ति से बता सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। लव लाइफ में आज आप एक या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत में लगे रहेंगे। हर कोई आज आपसे बात करना चाहेगा, चाहे वो परिवार का हो, दोस्त हो या आपका प्रिय व्यक्ति हो। इस मौके का लाभ उठाएं और आनंद लें। इस समय आपको किसी विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये समय बहुत अच्छा है और आप इस समय व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों में किसी भी चुनौती को पूर्ण तरीके से सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे। यदि आपने इंश्योरेंस या फिक्स डिपॉजिट में सही इरादे से पैसा लगा रखा है तो वो लंबे समय में लाभ देगा। इस तरह आपको अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई विदेश से आपके लिए बड़ी सौगात भेज दे जिसकी आप सोच भी नहीं रहे थे। आपकी सफलता से आपके कुछ सहकर्मी ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपके काम के क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी।
आज आप महसूस करेंगे कि कोई दर्द या जोड़ों में परेशानी आपको आज परेशान कर सकती है। अपने भोजन पर आज जरूर ध्यान दीजिए। शाम 4:30 से 6 का समय लकी रहेगा, सफेद रंग लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको धैर्यवान रहना चाहिए, सभी मामलों को सावधानी से संभाल सकते हैं। आपके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप उससे आसानी से विचलित नहीं होंगे। आप शांत और दृढ़ निश्चय के साथ काम कर सकते हैं। आज आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा। वे जो आज नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो रिश्ता लंबे समय तक चलेगा और खुशनुमा रहेगा। करियर के मामले में यदि आप अपना व्यवसाय चलाते हैं, तब आपको अपने पुराने कर्मचारियों के प्रति आभारी होना चाहिए। हो सकता है कि नवीन कर्मचारियों की गलती के कारण जो नुकसान आप उठा रहे थे, उसे पुराने कर्मचारियों द्वारा सही कर दिया गया हो। पुराने निवेश से आपको आज बड़ा फायदा मिलने वाला है। हो सकता है आपने इंश्योरेंस लिया हो, फिक्स डिपॉजिट, ऐसा कुछ आपने किया हो जिससे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी कमाई में बढ़ोतरी के लिए ये बड़ा स्तोत्र साबित हो सकता है। हेल्थ के मामले में आज दर्द की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। हो सकता है आज आप व्यायाम भी ठीक से ना कर पाएं। हो सकता है आज आपको दिक्कतें आएं, इसलिए आज आराम करने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर रखें। सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए ग्रे रंग में कुछ पहनें। शाम 5 से 7 का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। धन्यवाद। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।